गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम इज गोइंग ऑन एंड टुडे इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. दिस टॉपिक इज नॉट न्यू फॉर यू बिकॉज यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर इन योर 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो. ओके, नाउ सी वी हैव 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स व्हिच वी हैव टू स्टडी हियर. फर्स्ट लॉ इज ए टू द पावर एन मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन, व्हिच मींस इफ बेसिस आर सेम एंड दे आर इन मल्टीप्लीकेशन देन पावर्स विल बी एडेड. अगर दो बेस नंबर सेम हैं और दोनों बेस नंबर मल्टीप्लीकेशन में हैं देन पावर्स क्या होती है, एड हो जाती है. हैव अ लुक एट एग्जांपल. 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 3. बोथ द बेस नंबर आर सेम एंड बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन देन रूल सेज दैट, लॉ सेज दैट वी कैन एड द पावर्स. तो आप यहाँ पर रूल लगाएंगे ए टू द पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन प्लस एन. दैट मीन्स 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 3 गिव्स 5 टू द पावर 7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 टू द पावर 10. सो आवर आंसर इज 5 टू द पावर 10 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. If bases are same and are in multiplication, powers are added. Okay? According to second concept, second law says that if bases are same and are in division, then powers will be subtracted. अगर bases same है और दोनों bases division में है, division में अगर division का symbol लिखा है वो भी ठीक है, और अगर upon में इस तरीके से दिया है तो भी एक ही बात है, both are same thing. In this way, if bases are same and in division, then powers must be subtracted. For example, if it is given that 5 to the power 7 divided by 5 to the power 5, or it can also be written as 5 to the power 7 upon 5 to the power 5. Now, how can we solve it? How we will be able to solve it? We can solve it by applying second law of exponent. यानी कि a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n माइनस n. दिस लॉ इज एप्लीकेबल हियर. सो आफ्टर अप्लाइंग लॉ यू विल गेट 5 टू द पावर 7 माइनस 5, दैट मींस 5 टू द पावर 2. इफ बेसिस आर सेम एंड इन डिवीजन पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड. तो 5 टू द पावर 2 इज आवर आंसर इन दिस केस. सो सेकंड लॉ वी कैन अप्लाई इन दिस मैनर. ओके, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ए टू द पावर एन मल्टीप्लाई बाय बी टू द पावर एन. नाउ सी इन दिस केस बेसिस आर नॉट सेम, बेसिस सेम नहीं है, बट बोथ द बेसिस आर इन मल्टीप्लीकेशन एंड पावर जो एक्सपोनेंट है दैट इज सेम. एक्सपोनेंट इज सेम बट बेसिस आर नॉट सेम, बट बोथ द बेसिस आर इन मल्टीप्लीकेशन. सो हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थर्ड लॉ. See, if it is given 2 to the power 7 multiplied by 9 to the power 7. In this case, you can see that base numbers are not same. But both the base numbers are in multiplication. But powers are same. So we can go through this third law, which is a to the power n multiplied b to the power n. N, which is equal to a into b whole raised to the power n. So solve it, we'll get 2 multiplied by 9 whole to the power 7. ठीक है, बेस नंबर्स विल बी मल्टीप्लाइड एंड देन पावर विल कम आउट कॉमन. सो 9 इनटू 2 18 टू द पावर 7 इट इज आवर आंसर. सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ, a टू द पावर n होल रेस्ट टू द पावर n, इट मींस आपको क्वेश्चन दिया हुआ 2 टू द पावर 3 होल रेस्ट टू द पावर 5, इट मींस powers will be multiplied. Both the powers belong to base number. दोनों ही powers base number से belong करती हैं. So before solving this one, you can multiply power. That means we can apply a to the power n whole raised to the power n, which is equal to a to the power n multiplied by n. That means powers will be multiplied. So we'll get answer 2 raised to the power 3 multiplied by 5, which is equal to 2 raised to the power 3 5s are 15. So answer is 2 raised to the power 15. So in this way you can apply fourth law. Have a look at fifth law. A to the power minus 1, that means if
किया गया है जिसकी पावर नेगेटिव है. सो टू मेक दिस पावर पॉजिटिव वी हैव टू डू रेसिप्रोकल ऑफ द बेस नंबर. अगर कोई भी नंबर है या कोई भी वेरिएबल है और उसकी पावर नेगेटिव दे रखी है, नेगेटिव 1 है, नेगेटिव 2 है, नेगेटिव 7 है, कुछ भी हो सकती है पावर, तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको बेस नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ता है. ठीक है, हैव अ लुक लाइक 2 टू द पावर माइनस 1. सो वी कैन अप्लाई a टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a. दिस लॉ इज एप्लीकेबल हियर. सो आवर आंसर विल बी 1 अपॉन 2. बेस नंबर क्या था? 2. 2 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2. पावर क्या बनी? नेगेटिव 1 की पावर क्या होगी? पॉजिटिव 1. पॉजिटिव 1 पावर आप लगाए या नहीं लगाए एक ही बात है. एक और एग्जांपल दीजिए. 5 अपॉन 7 होल रेस टू द पावर माइनस 2. सपोज पावर इज गिवन नेगेटिव 2. तो टू मेक दिस पावर पॉजिटिव व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू रेसिप्रोकल ऑफ द बेस नंबर. बेस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो. तो 5 अपॉन 7 व्हाट इज इट्स रेसिप्रोकल? 7 अपॉन 5. 7 अपॉन 5 होल रेस टू द पावर 2. ओके, पावर नेगेटिव है, पावर को आपने पॉजिटिव बना दिया. कैसे बनाया पावर को पॉजिटिव? बेस को आपने रेसिप्रोकल कर दिया. आफ्टर डूइंग रेसिप्रोकल ऑफ द बेस नंबर वी विल गेट पावर नेगेटिव. आप यहाँ पे ये मत सोचें कि ये वाला 1 यहाँ पे आ गया. नो, आपने बेस नंबर का रेसिप्रोकल किया. फॉर एग्जाम्पल माइनस 3 रेस टू द पावर माइनस 4. सो हाउ टू मेक दिस पावर पॉजिटिव? माइनस 3 का रेसिप्रोकल किया, 1 अपॉन माइनस 3. 1 अपॉन माइनस 3 बोल दीजिए या माइनस 1 अपॉन 3 बोल दीजिए, बोथ आर सेम थिंग. होल टू द पावर 4. बेस का रेसिप्रोकल किया, पावर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई. सो इन दिस वे वी कैन मेक, वी कैन कन्वर्ट एनी नेगेटिव पावर टू पॉजिटिव पावर. इस तरीके से आप किसी भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड लास्ट लॉ सेज, लास्ट लॉ इज ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1. दैट मींस इफ एनी नंबर और इफ एनी वेरिएबल इज गिवन एंड इट्स पावर इज 0, देन आंसर कम्स 1 ऑलवेज. दैट मींस इफ इट इज गिवन 3 टू द पावर 0, आंसर इज 1. y टू द पावर 0, आंसर इज ऑलवेज 1. गॉट इट? कैन वी प्रूव इट? कैन वी प्रूव इट? यस, वी कैन प्रूव. सपोज आपको दिया हुआ है x टू द पावर 2 अपॉन x टू द पावर 2. वी कैन सॉल्व इट बाय टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज, कैन वी गट इट डायरेक्टली? आंसर इज 1. आंसर इज 1. फर्स्ट इक्वेशन x टू द पावर 2 अपॉन x टू द पावर 2. कैन वी सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ? See, bases are same and both are in division. Their powers will be subtracted. So, can we write it as x to the power 2 minus 2? So, x to the power kya aa gaya? 0 aa gaya. X to the power 0, which is equal to 1. Aapne do tarike se solve kiya isko. Ek bar answer 1 aa raha hai, ek bar aa raha hai x to the power 0. It means x to the power 0 equals to 1. It means agar kisi bhi number ya kisi bhi variable ki power अगर 0 है, then answer is always equal to 1. आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा. ओके, नाउ दीज आर 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास एज वेल एज यू हैव टू स्टडी हेयर इन 9th क्लास ऑल्सो. इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम. इन आर एनसीईआरटी बुक्स ऑल्सो सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन, बट दोज आर नॉट सफिशिएंट बिकॉज काफी छोटी एक्सरसाइज आपको दी गई है. तो सम ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वी विल डू with the help of all these laws of exponents. For example, suppose if any question is given like 5 to the power 3 multiply by 5, okay, multiply by 25 divided by 5 to the power 2. Suppose in this manner question is given. अब जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली कोई ना कोई लॉ इंप्लीमेंट हो रहा हो सकता है आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े क्वेश्चन में तब लॉ अप्लाई हो. नाउ सॉल्व इट. हाउ कैन वी राइट 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय, ये 5 की फॉर्म में, ये भी 5 की फॉर्म में, बट इट इज 25. कैन वी राइट 25 इन द फॉर्म ऑफ 5? यस, वी कैन राइट 25 एज 5 स्क्वायर. 5 इंटू 5, 5 5 से 25. सो वी कैन कन्वर्ट 25 एज 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर. नाउ सॉल्व इट. 5 क्यूब. Now, any law is applicable here. Bases are same and in division, powers will be subtracted. So, here is 5 to the power 2 minus 2.
okay, wherever you are applying any law, you have to write down in front of that step. उस step के सामने आपको law apply करेंगे जो आपने उस step में use किया है. So here we have used a to the power n divided by a to the power m gives a to the power n minus n. इस step में आपने ये law use किया, आपने apply कर दिया. 5 cube multiplied by 5 to the power 2 minus 2 0. 5 to the power 0. Any number to the power 0 gives 1. So can we replace 5 to the power 0 by 1? So we'll get 5 cube multiplied by 1. And in bracket you write a to the power 0 equals to 1. So 5 cube into 1 is 5 cube. 5 cube means 5 multiply 5 multiply 5, which is equal to 125. So in this manner we can apply. जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन में एक ही लॉ अप्लाई हो. हो सकता है एक क्वेश्चन में थ्री लॉज लग रहे हो या टू लॉज अप्लाई हो रहे हो. यू हैव टू अप्लाई एंड देन यू हैव टू सॉल्व. इन दिस मैनर वी हैव मेनी मोर एग्जांपल्स. एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ. सपोज इट इज गिवन सॉल्विंग एक्स टू द पावर जीरो मल्टीप्लाई बाय वाई टू द पावर जीरो मल्टीप्लाई बाय जेड टू द पावर जीरो अपॉन वन टू द पावर जीरो प्लस टू टू द पावर जीरो प्लस थ्री टू द पावर जीरो सॉल्विंग. So it is easy, we know that any number or any variable to the power 0 gives 1. Solve it. It is equal to 1 multiply 1 multiply 1 upon 1 to the power 0 is 1 plus 1 plus, suppose you have plus 3 or minus it, minus 1. And in bracket you will apply a to the power 0 gives 1. 1 multiply 1, 1, 1 into 1, 1 upon 1 plus 1, 2 minus 1. 1 upon 2 minus 1, 1, answer is 1. बिल्कुल इजी है, लेकिन कई बार यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं साइन को देखते हुए. उनको लगता है यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो सॉल्व कर देते हैं. तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखेंगे मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और थोरली सॉल्व करेंगे इसको, तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी. ओके, सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई ऑल द लॉज, ऑल दीज सिक्स लॉज वी कैन अप्लाई वेरी इजीली इन क्वेश्चन. इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी सम ऑफ द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज लॉज. Okay, by that time, try to do exercise 1.6 yourself.